गाइस आज आपको सलमान में बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या काम हो रखा है, क्या क्या मॉडिफाई हो रखा है, सब कुछ बताएंगे। सो तुषार, आपकी गाड़ी में बेसिकली हमने बॉडी किट का काम किया हुआ है। इसमें हमने बॉडी किट करी है, ये GTR स्टाइल में बॉडी किट है। फ्रंट बम्पर इसका ये GTR स्टाइल में आपको दिख रहा होगा, ये हमने इसका फ्रंट बम्पर बनाया है। हेडलाइट इसकी हमने कस्टमाइजेशन करी है, इसमें हमारे ये AES के प्रोजेक्टर्स लगे हैं 3 inches के, और इसमें ये फैब्रिकेट किया है हमने हुड, इसका हुड बनाया है। और आप पीछे जैसे कि हम आपको दिखा दें गाड़ी में पीछे हम गाड़ी के आते हैं तो हमें ये पीछे का फ्रंट बम्पर रियर बम्पर में जो है हमने ये नीचे स्टॉक बम्पर में ही नीचे पूरा डिफ्यूज़र बनाया है। डिफ्यूज़र के साथ साथ इसमें वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है जिसका हमने ये सिंगल टिप इसमें यहाँ पे दी हुई है। रियर बम्पर में ओरिजिनल बम्पर में हमने यहाँ पे ये कनार्ड्स बनाए हैं इसमें। ओके, पीछे का जो इसका लोगो है डीक्रोम करके हमने ये रेड पेंट किया है। तो ये जो रेड लोगो है ये हम किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं? रेड लोगो बेसिकली क्या है यार, आपके लिए हमें JDM लोगोज यूज करने थे, तो JDM लोगोज आते हैं इसके ओरिजिनल, तो उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए आपसे बात करके जैसे भी है वो उस टाइम आपको बताया गया था कि अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने ये आपके लोगोज पेंट किए थे। अदरवाइज हमारा प्लान तो यही था कि हम इसमें आपके JDM लोगोज होते वही यूज करेंगे। बाकी इसमें एक ये स्पॉइलर लगाया था आपका और कंप्लीट कार ये पेंटेड है। तो गाइज ये जो हमने सबको सलमान मैंने आपको बताया ये सब था आपका एक्सटीरियर का, अब हम आपको ले चलते हैं इंटीरियर में। तो आप जब इंटीरियर में आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगी आपकी एक एमएल लाइट जो साइड डोर्स पे लगती है, एंड नीचे जो अलग से आपके आती है एमएल लाइट दूसरी वाली वो भी है। एंड इंटीरियर में आपका एक ये लगा हुआ है एंड्रॉयड लगा हुआ है 9 inches का, और इसके साथ ही पीछे हमारा 2 सबवूफर लगे हुए हैं, और एक एक गियर नॉब है जो म्यूगन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये आर्मरेस्ट लगा हुआ है, थोड़े बहुत जो सीट कवर्स के ऊपर आजकल लोग करते हैं तो ये सब वो काम हो रखा है छोटा मोटा। तो गाइज अब आपको बताते हैं जो इसका ये है म्यूजिक सिस्टम, इंटीरियर के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब बाकी आपको सलमान में बताएंगे क्योंकि इनको ज्यादा नॉलेज है इस चीज के बारे में। सो बेसिकली तुषार भाई, आपकी गाड़ी में जो ऑडियो सेटअप किया गया है वो हमने एक एंड्रॉयड इसमें यूज किया हुआ है 9 inches का। उसके साथ आपके जो फ्रंट स्पीकर्स हैं वो आपके वही सेम कंपनी फिटेड स्पीकर्स हैं। सबवूफर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो है 1211 पाइनियर के D4 सबवूफर्स हैं जो इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये डुअल सबवूफर है, और इसको ड्राइव कर रहा है हमारे ये हमान का मोनो एम्पलीफायर। तो सलमान भाई इसमें ये मोनो एम्पलीफायर की यूज करते हैं, 4 चैनल भी कर सकते हैं आई थिंक। सो बेसिकली तुषार भाई होता है ऐसा है, अगर आप 4 चैनल से इनको ड्राइव करेंगे तो सबसे पहली बात तो इनको वो पावर ही नहीं मिलेगी जो एग्जैक्ट इनको पावर चाहिए, वो पावर इनको मिलेगी नहीं। ठीक है, एक बजट एम्पलीफायर 4 चैनल अगर आप लेंगे तो वो 60-70 RMS का एक एम्पलीफायर होता है, तो 70 RMS अगर आप ब्रिज करके चलाएंगे तो मैक्स टू मैक्स आपको मिलेगी 150 Watt RMS। अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छा एम्पलीफायर लेंगे तो ब्रिज करके 200 Watt RMS आपको मिलेगी, तो वो भी सफिशियंट नहीं है इस एक सबवूफर को प्ले करने के लिए। तो इसीलिए हम मोनो एम्पलीफायर्स मोनो ब्लॉक्स यूज करते हैं ताकि मोनो ब्लॉक से आपके सबवूफर्स को पूरी पावर मिल सके। ठीक है, तो ये काफी एक बजट एम्पलीफायर है, जैसे कि हमारी बात हो चुकी थी कि आपकी गाड़ी में एक थोड़ा सा लो बजट एक ऑडियो सेटअप करना है, तो ये एक बजट ऑडियो सेटअप है आपकी गाड़ी में। तो गाइज अभी तक हम आपको गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर और इंटीरियर का टूर तो दे चुके हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इसके एलॉयज की। तो एलॉयज इसमें डले हुए हैं क्यूबस के बीके टायर से, लाजपत नगर में एक शॉप है तो ये वहाँ से डले हुए हैं, एंड ये 14 inches के एलॉयज हैं, एंड जो टायर है मेरे वो कंपनी के स्टॉक है। और अब आपको इसके म्यूजिक सिस्टम के ऊपर ले चलते हैं और सुनाते हैं कि कैसा उसका आउटपुट है और एग्जॉस्ट का कैसा आउटपुट है। तो फ्रेंड्स हम लोग आपको जो सॉन्ग सुनाएंगे ड्यू टू कॉपीराइट हम आपको कोई और गाने नहीं सुना सकते, तो NCS के साथ हम आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे, तो आप आउटपुट चेक करिए। Oh,
तो गाइज ये अभी जो मैंने आपको सुनाया था ये था हमारा ऑडियो सिस्टम। अब हम आते हैं इसके एग्जॉस्ट के परफॉर्मेंस पे। तो हमारे भाई अब आपको एग्जॉस्ट की परफॉर्मेंस सुनाएंगे कि कैसा है स्टॉक पे एंड उसके बाद कैसे उस पर जब हम उसको ऑन कर देते हैं वेलोटॉनिक को। गाइज ये था हमारा एग्जॉस्ट नोट। अगर आप ईयरफोन्स पहन के सुनोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब हम आते हैं आपके आगे लाइट्स पे कि उसका क्या आउटपुट है। तो गाइज ये थे हमारी जो लाइट है ये कंपनी से हमने इसमें क्या करवाया हुआ है कि इसके अंदर हमने प्रोजेक्टर्स डलवाए हुए हैं। तो ये आपके AES के प्रोजेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपकी 55 वॉट के बल्ब जले हुए हैं। तो अगर आप इसका थ्रो देखना चाहेंगे तो आप सामने देखिए आपको थ्रो दिखेगा कितना हाई थ्रो है इसका। ये देखिए तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट ही करी है जस्ट, तो मेरे को आगे जाके मैं कोशिश करूंगा कि जितने से जितने अच्छे ब्लॉग्स और आ सके मैं उतने अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँ। अभी थोड़ा सा मैं नर्वस था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, बट आगे मैं होप करता हूँ कि और अच्छे ब्लॉग्स आए और आपको मजा आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें ये कमी है या वो कमी है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मैं उस चीज़ को सुधारूंगा अगली वीडियो से। और आपको अगर कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी मॉडिफाई कराना हो, चाहे वो बॉडी किट्स हो, आपका इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, तो ये आपका रेहान कस्टम गैराज का यहाँ पे है हमारा ऑफिस। तो आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा एंड एक फ्लैश भी हो जाएगा आपके साथ स्क्रीन में नीचे कि क्या नंबर है एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू। तो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वो भी आपके लिए बहुत तहलका मचाने वाली है।